हेलो फ्रेंड मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जी ओ वी टी यानी गवर्नमेंट जॉब्स फोडियो में आपका स्वागत है यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में नौकरी के बारे में बताने वाला हूं और विभिन्न पदों पर नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में तो लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में लगभग दस पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं जिसमें लाइब्रेरी असिस्टेंट से लेकर लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट सहित विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं सभी डिटेल जानकारी क्वालिफिकेशन एज लिमिट से रिलेटेड डिटेल जानकारी आपको बताया जाएगा अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की प्रोसेस के बारे में भी डिटेल जानकारी बताई जाएगी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं सबसे पहले कि इस चैनल के द्वारा एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया गया है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और यह जो वेबसाइट है वेबसाइट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा साथ ही आप स्पेशल वीडियो चाहते हैं या नोटिफिकेशन चाहते हैं तो इसके लिए यूट्यूब का पार्क है उससे ज्वाइन हो सकते हैं तो उसके लिए आपको स्पेशल वीडियो मिलेगा स्पेशल नोटिफिकेशन दी जाएगी तो यह सब आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो आप ज्वाइन हो सकते हैं दूसरी बात यह है कि इस चैनल का नाम पहले यू जी सी नेट क्रेकर था लेकिन इस चैनल पर डेली सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाता था इसलिए इस चैनल का नाम चेंज कर दिया गया है और न्यू नाम दिया गया है जी ओ वी टी यानी गवर्नमेंट का शॉर्ट में है जी ओ वी टी गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू अब हम बात करते हैं विभिन्न पद के बारे में तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह जो वैकेंसी है प्योरली ऑन आउटसोर्सिंग बेसिस पे आवेदन आमंत्रित किया गया है यहाँ पे आते हैं तो कॉन्सोलीडेट सैलरी है यानी यह या जो वैकेंसी है प्राइवेट है और यदि प्राइवेट नौकरी करना चाहते हैं तो ही आपके लिए यह बेस्ट है लास्ट में आपको वेबसाइट पर लेकर चलूँगा और केवल यही वैकेंसी नहीं इसके अलावा और भी वैकेंसी है उसके बारे में डिटेल जानकारी आपको बताऊँगा उसको एडवर्टाइजमेंट कैसे डाउनलोड करना है और क्या करना है सब डिटेल जानकारी आपको बताऊंगा मैं इस वीडियो के बाद यानी यह वीडियो जो लास्ट में हम आएंगे लाइब्रेरी साइंस के जितने भी पद हैं सब डिटेल जानकारी बताने के बाद मैं आपको लेकर चलूंगा वेबसाइट पर और उसके बाद आपको डिटेल जानकारी बताऊंगा तो देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर है यहाँ पे पद का नाम दिया गया है यहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन और आपको कार्य क्या करना है इसके बारे में डिटेल जानकारी यहाँ पे दी गई है यहाँ पे एज लिमिट दिया गया है तो इसमें मैनेजर का पद है कुल एक पद है क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन फर्स्ट डिविजन सिक्सटी परसेंट अंक के साथ होनी चाहिए वो भी रेपूटेडेड यूनिवर्सिटी से हैं इसके अलावा और डिटेल जानकारी दी है तो ये तो आप डिटेल जानकारी देख सकते हैं एज लिमिट जो है पैंतालीस साल है और सैलरी पैंतालीस हजार से लेकर एक लाख तक का सैलरी है और यह जो सैलरी है कंसोलिडेटेड हैं अगला जो हमारा पद है मैनेजर एग्जामिनेशन के लिए हैं कुल एक पद है जनरल कैटेगरी में एज लिमिट सेम है सैलरी सेम है क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट जो है किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए वो भी रेपूटेडेड यूनिवर्सिटी में या इन इंस्टीट्यूट से आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो इसके लिए दस साल का अकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए यानी एकेडमिक एक्सपीरियंस दस साल का होना चाहिए तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है अब यहाँ से आते हैं तो हम बात करते हैं जो अगला पद है ऑफिसर अकेडमिक ऑफिसर के लिए हैं और क्वालिफिकेशन सेम है एक्सपीरियंस में पाँच साल का एक्सपीरियंस संबंधित फील्ड में है एज लिमिट पैंतीस साल है और सैलरी चालीस हज़ार से लेकर पचास हज़ार रुपये पर मंथ कॉन्सोलीटेड सैलरी है और इसमें ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए रेपूटेडेड यूनिवर्सिटी से यदि किसी आप संस्था से हैं तो इसके लिए चार साल का जो आपका कोर्स होता है वो पूर्ण होनी चाहिए अब यहाँ पे आते हैं तो देखिए लाइब्रेरी साइंस का पद चालू होता है और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में कुल दो पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं सॉरी लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए कुल दो पद पर आवेदन आमंत्रित हैं इस पद के लिए एज लिमिट पैंतीस साल है और सैलरी पचपन हज़ार से लेकर साठ हज़ार रुपये पर मंथ कंसोलिडेट हैं क्योंकि यह जो वैकेंसी है या जो भर्ती है प्योरली आउटसोर्सिंग यानी कंट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन में तो संबंधित सब्जेक्ट में फिफ्टी फाइव परसेंट अंक होनी चाहिए मास्टर डिग्री में पोस्ट ग्रेजुएट दिया है यानी मास्टर डिग्री में साथ ही गुड अकेडमिक रिकॉर्ड होनी चाहिए और ए यू जी सी नेट इन लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में होना चाहिए तीन ऑप्शन है लाइब्रेरी एंड इन्फॉमेशन असिस्टेंट पोस्ट के लिए और डिजाइवर आई एक्सपीरियंस की बात करें तो कम से कम एक साल का या वन से लेकर थ्री साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए दूसरा जो लाइब्रेरी साइंस में पद है लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस के फील्ड में एक पद पर आवेदन आमंत्रित हैं और एज लिमिट सेम है सैलरी सेम है क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो क्वालिफिकेशन में देखिए बी बी टेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी या एम सी ए या गुड एम सी ए हैं इसके अलावा गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है और यू जी सी नेट कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या लाइब्रेरी लाइब्रेरिया इंफॉर्मेशन साइंस में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं तो जनरली आपको मैं बता देता हूं कि मैं भी लाइब्रेरियन हूं गवर्नमेंट सर्विस मैन हूँ और लाइब्रेरी साइंस के फ़ील्ड में आपको नेट क्वालिफाई है तो आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं अगला जो हमारा पद है यह भी पद लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस के फील्ड में है तो यह जो पद है लाइब्रेरी या इन्फॉर्मेशन एसोसिएट इंटर्न के लिए दो पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं और क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री लाइब्रेरी या इन्फॉर्मेशन साइंस एटलीस्ट फिफ्टी फाइव परसेंट अंक साथ ही गुड एकेडमिक रिकॉर्ड यू जी सी नेट क्वालिफाई होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में यदि आपके पास हैं नेट क्वालिफाई हैं तो आपको प्रेफर किया जाएगा अब बात करते हैं एज लिमिट अधिकतम तीस साल है और पच्चीस हज़ार रुपये पर मंथ सैलरी है यदि आप बेरोजगार हैं तो आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि आप इस पद को ज्वाइन करें और कुल दो पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस के फील्ड में अगला जो हमारा पद है लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए एक पद है और क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री लाइब्रेरी या इन्फॉर्मेशन साइंस या डॉक्यूमेंटेशन साइंस या इक्विपलेंट हैं जो एज लिमिट है अधिकतम पैंतीस साल है और सैलरी पचास से लेकर पचपन हज़ार पर मंथ हैं लेकिन यहाँ पर प्रोफेशनल डिग्री एक्सपीरियंस में कम से कम आठ साल का एक्सपीरियंस लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में होना चाहिए या तीन साल का एक्सपीरियंस सर्विस एक्सपीरियंस एजुकेशनल लाइब्रेरी मैनेजमेंट से रिलेटेड होनी चाहिए यहाँ पे हैं कि रिक्वायर एक्सपीरियंस और स्किल करके एक डिटेल जानकारी दी गई है तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए उसके बाद ही अप्लाई कीजिए अगला जो पद है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के फील्ड में इसकी हम बात करते हैं तो टेक्निकल असिस्टेंट डिजिटल लाइब्रेरी के लिए दो पद पर आवेदन आमंत्रित हैं और इस पद के लिए एज लिमिट पैंतीस साल है चालीस हज़ार से लेकर पैंतालीस हज़ार पर मंथ सैलरी है यह जो वैकेंसी है प्राइवेट है यानी कंटेक्चुअल बेसिस पर है इसलिए कॉन्सुलिडेट आपको सैलरी मिलने वाली है अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन के लिए यानी टेक्निकल असिस्टेंट डिजिटल लाइब्रेरी का जो पद है इस पद के लिए कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए तो थ्री ईयर डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग विथ मिनिमम एट ईयर रिलवांट तो पोस्ट ग्रेजुएट एक्सपीरियंस हैं या बी सी ए विथ मिनिमम सिक्स साल का एक्सपीरियंस या बी आपके पास हैं तो इसके साथ में भी आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए एम सी ए हैं तो भी तीन साल का एक्सपीरियंस जरूरी है यहाँ पे एसेंशियल एक्सपीरियंस जो है मिनिमम दो साल का एक्सपीरियंस एकेडमिक या रिसर्च या लाइब्रेरी इन हेल्ड ऑल लाइब्रेरी फंक्शन एंड सर्विसेज एक्सपीरियंस से रिलेटेड होनी चाहिए यानी कि यह या पौध आप लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में आप हैं और कोई भी आपके पास मास्टर डिग्री है इसके अलावा आपके पास एक्सपीरियंस है लाइब्रेरी से रिलेटेड सभी फील्ड के बारे में सभी एक्टिविटीज़ के बारे में आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है और ये जो हैं जिस है जिसमें डिप्लोमा या कंप्यूटर बी सी मांगा हुआ है तो हमें पता है कि लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट भी आजकल सब कंप्यूटर से रिलेटेड क्वालिफाई हैं और सबको कंप्यूटर आता है डिजिटल लाइब्रेरी मैनेज करने के ढंग भी हैं और कर भी सकते हैं तो इस बात को मैं सपोर्ट करता हूँ तो आपके पास इतना सब है तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगला जो पद है नेटवर्क इंजीनियर के लिए है एक पद है क्वालिफिकेशन में सेम क्वालिफिकेशन बी बी टेक इलेक्ट्रॉनिक या टेलीकम्युनिकेशन या कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या नेटवर्क टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है डिजाइवर सर्टिफिकेट से रिलेटेड डिटेल जानकारी दी गई है एज लिमिट पैंतीस साल है सैलरी पचपन से लेकर ले सत्तर हजार रुपए पर मंथ हो सकता है अगला जो हमारा पद है अपलिकेशन सपोर्ट इंजीनियर के लिए है कुल एक पद हैं क्वालिफिकेशन में एन ग्रेजुएट होनी चाहिए और आठ से दस साल का एक्सपीरियंस है एज लिमिट पैंतीस साल है सैलरी सेम है इस तरह से डिटेल जानकारी दी गई है आपको क्या क्या कार्य करना है इसके बारे में डिटेल जानकारी दी गई है अब हम बात करेंगे कि अप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है तो अभी मैं आपके कुछ टाइम में लेकर चलूँगा वेबसाइट पर उससे पहले हम बात कर लेते हैं अपलिकेशन फॉर्म फिल करने की प्रोसेस के बारे में तो देखिए आपको ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है यहाँ पर जो आते हैं तो यहाँ पे एक नोट दिया है कि आपको जो है रिक्वायरमेंट के अनुसार जो है उसके लिए आपको रिटर्न टेस्ट या अटेंडिंग टेस्ट रिटर्न टेस्ट या इंटरव्यू के लिए आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा दूसरी बात कि सेकेंड नंबर में आपको कोई भी टी ए डी ए डे नहीं है जो भी रिटर्न टेस्ट या इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं तीसरी ऑप्शन जो है कि ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म ही आपको सभी पद के लिए ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दिया है मैं एक बार बोल देता हूं कि डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट बी ई सी आई एल डॉट कॉम पर जाकर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है ओ टी आर करना है उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और अप्लीकेशन फॉर्म फ़िल करने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत होगी इसके बारे में डिटेल जानकारी जैसे ही अप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा अब मैं बात करता हूँ कि यदि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए जी मेल दी गई है और फ़ोन नंबर भी टेलीफोन नंबर दिया गया है तो इन दोनों से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 28 मार्च 2023 है यानी आपके पास अभी भी टाइम है कम से कम आठ दिन का टाइम है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए यह जो वैकेंसी आई है कहाँ पे आया है यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है तो ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड में आवेदन आमंत्रित हैं अब मैं आपको लेकर चलूंगा वेबसाइट पर जहाँ से शॉर्ट में डिटेल जानकारी आपको बताऊंगा और सभी डिटेल जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा तो इसलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ वेबसाइट पर देखिए यहाँ पे वेबसाइट का पेज ओपन हो रहा है आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा ये अच्छा नहीं दिखेगा आपको थोड़ा सा जूम हो गया है अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये देखिए यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए वैकेंसी दिया है कि सत्रह मार्च दो हजार को नोटिफिकेशन आया था उसके बाद 28 मार्च दो हजार अंतिम तिथि है वीडियो का ये जो लिंक है इस पर आपको क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड करना है इसके अलावा और भी जो वैकेंसी है वो भी यहाँ पे इसके बारे में डिटेल जानकारी दी गई है देखिए पे मार्च को भी नोटिफिकेशन आया है और विभिन्न पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है यहाँ पे भी देखिए आप सोलह मार्च में भी विभिन्न पद है तो यह पी आप आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके देखना है कि किन किन पदों पर आवेदन आमंत्रित है यहाँ से देखिए आप डाउनलोड करेंगे यह भी डाउनलोड करेंगे और कुछ है कि 16 मार्च को एडवर्टाइजमेंट आया था और 28 मार्च 2023 तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है कुछ में है कि अप्रैल 4 अप्रैल तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और यहाँ पे है तीस तो पद जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर दो सौ इक्यानवे हैं तो 31 मार्च 2023 तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और इसमें विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित हैं तो यह नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना है वेबसाइट से तो फ्रेंड मैं आपके लिए डेली सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो लाता हूं। तो अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें